बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा और सिल्वर स्क्रीन के दबंग सलमान खान उन कुछ सितारों में से हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं स्टार्स की वजह से फिल्में चलती हैं, ना कि फिल्मों की वजह से ये स्टार्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल एवरग्रीन ब्यूटी रेखा और दबंग सलमान खान को लेकर एक खास बात हम आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। बात है बिग बॉस के 8वें सीजन की, जहां रेखा ने किया था एक हैरतअंगेज खुलासा। रेखा का कहना था कि सलमान मात्र 6 साल की उम्र में ही उनके प्यार में पड़ गए थे। रेखा ने बताया कि वो रोज सुबह टहलने जाती थी और उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे सलमान खान। रेखा वहां वॉक करती थी और सलमान साइकिल पर उनको फॉलो करते रहते थे। 6 साल के सलमान रेखा को बहुत क्यूट लगते थे और रेखा उनसे कुछ कहती भी नहीं थी। साथ ही ये बात सुनकर बिग बॉस की पूरी जनता खुश हो गई थी। बॉलीवुड में स्टारडम हासिल करने वाले स्टार्स की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के मन में अलग ही तरह के सवाल खड़ी करती हैं। एक तरफ जहां ये कई मामलों में बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी चीजों को इस कदर छिपाते हैं जिन्हें छिपाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो एक न एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएंगी। अब आप कब तक उसे छिपाते रहेंगे? ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी है। इन दिनों बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर खासा चर्चा में बनी हुई है, और ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान है। यूं तो इन दिनों वो खुलकर अपना बेबी बम्प शो कर रही हैं, लेकिन जनाब आप थोड़ा पीछे लौटिए। समय में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उन्होंने भी कई बार अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने की कोशिश की थी। उन्होंने भी आसानी से अपनी प्रेगनेंसी को लोगों के सामने नहीं रख दिया था। वो भी कई बार अपने हल्के से बेबी बम्प को लोगों से छिपाती नजर आई थी। लेकिन करीना ही नहीं, इससे पहले बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या भी कुछ ऐसा ही कर चुकी हैं। बता दें कि ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या के आने की खबर पूरी तरह से लोगों से छिपा कर रखी थी। वो भी कई बार कई मौकों पर अपना बेबी बम्प छिपाती हुई नजर आई थी। कहा तो यही जाता है कि ऐसा ये स्टार्स इसलिए करते हैं ताकि उनके स्टारडम पर कोई आंच ना आ पाए। इसे हमारे ग्लैमर वर्ल्ड का कड़वा सच कह लीजिए कि एक्ट्रेस को मां बनने के बाद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी की दी जानी चाहिए। बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जो सदाबहार हैं, जिन्हें कितनी बार भी देखा जाए मन नहीं भरता। ऐसी ही फिल्मों में से एक है मोहब्बतें। इस फिल्म को रिलीज हुए 17 साल हो गए हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। यहाँ तक कि इस फिल्म के गाने भी लोगों को काफी पसंद आए थे। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको हैरानगी भी हो। खबरों की माने तो मोहब्बतें में यश चोपड़ा महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी एक छोटे से रोल में लाना चाहते थे, और ये रोल था अमिताभ बच्चन के सौतेले बेटे का। हालांकि बाद में उनके रोल को खत्म कर दिया गया। जानकारी दे दें कि इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शाहरुख ने मोहब्बतें बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन की थी। मोहब्बतें में यश चोपड़ा का सबसे फेवरेट सीन वो था जब शाहरुख खान आसमान की ओर देखते हुए 3 बच्चों के स्कूल से निकाले जाने का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। अगर आप इस फिल्म के प्रशंसक हैं तो आप ये भी जानते ही होंगे कि फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज आर्यन था, और उस वक्त शाहरुख के बेटे आर्यन 2 साल के थे। बॉलीवुड एक्टर्स को फिल्मों में अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। कभी वजन घटाना बढ़ाना पड़ता है, तो कभी एक्ट्रेसेस को हैवी ड्रेसेस और ज्वेलरी कैरी करनी पड़ती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आसान बात नहीं है। फिल्मों में अपने किरदार में बेस्ट दे पाना, इसके पीछे छिपी होती है कड़ी मेहनत और संघर्ष। किरदार में ढलने के लिए एक तरह से किरदार को पूरी तरह से जीना पड़ता है। तो वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं करीना की फिल्म चमेली से जुड़ी खास बातें। वैसे तो उन्होंने अभी तक अपनी फिल्मों में कई सारे अलग अलग किरदार अदा किए हैं, लेकिन एक किरदार ऐसा भी था जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म चमेली का ऑफर करीना को दिया गया था, तो करीना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, कहते हुए कि उनके लिए वैश्या का किरदार निभाना मुश्किल है। हालांकि जब उन्हें ये रोल दोबारा ऑफर किया गया तो करीना ने इसे एक्सेप्ट कर लिया।
आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस किरदार को पर्दे पर बखूबी दिखाने के लिए करीना कई बार रात के समय मुंबई के रेड लाइट एरिया में भी गई थी और उन्होंने वर्कर्स के हाव भाव पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया था, या फिर कह लीजिए गौर से देखा, और शायद यही वजह है कि फिल्म में उनके अभिनय की प्रशंसा भी की गई। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो करीना फिल्म वीरे दी वेडिंग को लेकर भी चर्चाओं में बनी हुई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।